hello everyone how are you all guys just let me check whether i'm live yes 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 okay yes, yes, yes. okay everyone how are you all happy morning guys happy morning and I can check here. Vaishnavi Ravi. Attention leads to concentration and concentration leads to focus. Focus leads to results and when properly used. Yes, definitely, definitely, right? Happy morning, Akibaya. Happy morning, Vaishnavi. Happy morning, Punit, Abhishek, Jatin, Shubham, Mansir, Abhishek, Akshita, Anish, Muskan, Omkesh. It's never too late to be what you might have been. Yes, very true. Good morning, Omkesh. Punit Soni. Good morning, Ragini, Chavi, Sima, Wrinkle. रिंकल आर यू न्यू टू द्लास श्रुति गुड मॉर्निंग गिरीजा एवरीथिंग यू हैव एवर वॉन्टेड इज ऑन दाइड ऑफ फियर सो ट्रू सो ट्रू राइट हम लोग हमेशा 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 डरते रहते हैं और वो अगर चीज कर देते तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी दैट सीम्स टू बी वेरी वेरी इजी लेटर ऑन राइट बिल्कुल सही बिल्कुल सही कहा है सो राधिका ओवियर देन कौन है मिड नाइट गेमिंग जयठा गादा अनुषा भंडारी नवीन परदेसी एंड कौन है यहां पर रिंकल यस सर आई एम न्यू देखो मैंने कैसे पहचान लिया इतने सारे लोगों में मैं पहचान लेता हूं कौन नया है कौन पुराना है राइट ओके इफ यू फोकस ऑन रिजल्ट यू विल नेवर चेंज इफ यू फोकस ऑन चेंज यू विल गेट द रिजल्ट वाओ दैट्स सो वंडरफुल

no one else is going to do that for you you have to do you have to do <laughs> sir आप तोतले हो गए हो <laughs> मैं बोल रहा हूँ वैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे नवीन प्रदेशी मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ वंश वंश प्रदेशी क्या मैं सही हूँ क्या मैं सही हूँ मुझे पता है मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से पहचानता हूँ राइट कौन 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 सी कौन सी आईडी से आता है राइट सर आई हैव अ डाउट प्लीज एक्सप्लेन सर मेरे फोटो और सिग्नेचर शो नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं फिर से अपलोड कर देना थोड़े समय बाद लॉग इन करना तुम्हें दिख जाएगा सिस्टम में कभी कभी ग्लिचेस होते सिस्टम में कभी कभी नहीं दिखता है सो एब्सोल्युटली फाइन चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है सो यस डोंट वरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भव्या गुड मॉर्निंग सूरज गुड मॉर्निंग ऋषि एंड और कौन है क्योंकि आपके स्टूडेंट बोलते ही बहुत है हां आई नो इसीलिए मैं ऐसे बोलता हूं राइट मुझे पहचानो सर मैं कौन से आईडी से आता हूं अन एकेडमी पे आमिल Pythagoras नाम से आते हो तुम करेक्ट है क्या करेक्ट है क्या ये ओके ओके इग्नोर कर रहे हैं सर अरे नहीं 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 इग्नोर क्यों करेंगे इग्नोर क्यों, क्यों करेंगे बिकॉज गुप्ता जी का सिस्टम स्लो है देखना बच्चों मैं सब लोगों को पहचानता हूं पुराणीपाद गुरुदेव जयत्रा अरे देवांशु हेलो सर कैसे हो आप आई एम एब्सोल्युटली फाइन आई एम एब्सोल्युटली फाइन तो करे आज के इस अमेजिंग अमेजिंग सेशन की शुरुआत क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं यस बचा लोग बताओ मुझे वो तुम्हें भगा रहे हैं इग्नोर कर रहे हैं देवांशु ड्रीम 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 ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स

लेकिन हाँ मेरा वीडियो जरूर है अनएकेडेमी <laughs> के स्पेशल ऐप पर राइट अन एकेडमी लर्निंग ऐप पर मेरा वीडियो जरूर है 1992 नांटी के स्कैम के बारे में मैंने एक्सप्लेन जरूर किया है और कल ही मुझे किसी स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर वहाँ पर जो 10 एपिसोड में बताया है आपने वो एक एपिसोड में ही बता दिया था दैट वाज रियली अमेजिंग एंड दैट वाज रियली गुड एंड देखूंगा मैं भी देखूंगा वो सीरीज जरूर देखूंगा इट इज इंटरेस्टिंग इट इज इंटरेस्टिंग ठीक है गुड मॉर्निंग आयुषी गुड मॉर्निंग नवीन अरे नवीन कहाँ पर गायब हो गए थे मैंने तुम्हारे बारे में इंट्रोडक्शन दिया था वंस यस yes. कहां पर गायब हो गए थे तुम ओके चलिए बच्चा लोग हम लोग शुरुआत करते हैं शुरुआत करने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं क्या कहना चाहता हूं मैं देखना यहां पर देखना यहां पर मैं तुमसे बहुत सारी चीजें कहना चाहता हूं क्या क्या कहना चाहता हूं मैं देखना कि बचा लोग यहां पर तुम्हारी ओ oh माई गॉड ये क्या है एक मिनट यस इलेवेंथ ऑफ अक्टूबर से टेस्ट सीरीज चालू है अभी भी चालू है हर दिन एक दिन इको का होता है टेस्ट दूसरे दिन मैथ्स का टेस्ट होता है और इको मैथ्स, इको मैथ्स, इको मैथ्स इको मैथ्स ऐसे बहुत सारे एम सीक्यूज हम लोग रोज 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 रोज, रोज सॉल्व करते प्रैक्टिस करते कहां पर प्लस पर प्लस पर राइट तो प्लस का सब्सक्रिप्शन तुम जरूर 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 ले सकते हो फॉर द एक्स्ट्रा रीगर प्रैक्टिस दैट वी यू आर गोइंग टू डू कॉन्फिडेंस आसमान छुएगा इसके बाद कॉन्फिडेंस इसके बाद आसमान छुएगा राइट एवरीवन सर फिफ दिसंबर पार्टी देना पड़ेगा अरे जरूर दूंगा वाई नॉट वाई नॉट वाई नॉट जरूर दूंगा राइट ओके सर आप तो आपके बर्थडे तक साथ हैं हम यस yes! मेरे बर्थडे तक साथ में हो तुम बिल्कुल सही कहा बिल्कुल सही कहा है राइट right? और देखना बच्चों इस प्लस का तुम लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इट इज नॉट मैंडेटरी बट इट इज वॉलेंटरीली अगर तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो तुम जरूर 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 ले सकते हो राइट right? और इसका बच्चों वन मंथ का जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है आफ्टर डिस्काउंट वाला बता रहा हूं आफ्टर डिस्काउंट इज थ्री वन फाइव जीरो इसके लिए बच्चा लोग ये डिस्काउंट तुम्हें मिलेगा लेकिन ये डिस्काउंट मिलने के लिए कोड जरूर टाइप कर देना डी ए जी ए वन जीरो अगर ये कोर तुम यूज करते हो कोई भी अनकेडमी के, के सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तो तुम्हें जरूर जरूर कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट मिलेगा ही जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट उस समय पे पॉसिबल होगा उतना डिस्काउंट तुम्हें मिल जाएगा सो गाइस दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अराउंड थाउजेंड एम तुम्हें पता चल रहा है इस थाउजेंड एम में से कितने कितने सेम सेम एम एग्जाम में शायद शायद आ सकते हैं कॉन्फिडेंस आसमान पर रहेगा कॉन्फिडेंस आसमान छुएगा राइट एवरी वन ओके और वैसे भी हम लोग के रिपीटेटिव रिविजन इतने हो चुके इतने हो चुके इतने इतने हो हो रहे हैं अभी भी कि तुम लोग ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंट हो ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंट हो राइट सो ओके गाइज तो ये है तुम्हारे सामने वो डिटेल्स एंड नाउ 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 आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द रिविजन ऑफ चैप्टर थ्री नेक्स्ट 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 जो कंपनीज इतने ज्यादा तुम्हें अच्छे नहीं लगते हैं तुम्हें तुम्हें हाँ मुझे नहीं मुझे तो सारी कंपनी अच्छी लगती है राइट जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती है हम लोग उस कंपनीज को अभी शुरुआत करेंगे ठीक है सर ऑनलाइन पार्टी जी हाँ ऑनलाइन पार्टी करेंगे मैं तुम्हें सारे अलग अलग चॉकलेट्स बता दूंगा तुम लोग सब वो चॉकलेट्स को खरीद कर खा सकते हो ठीक है सो ऑनलाइन पार्टी करेंगे फिफ्थ ऑफ दिसंबर पर मेरे बर्थडे वाले दिन राइट right? ओके okay. सो so, बहुत ही बहुत ही जमकर प्रैक्टिस करेंगे ठीक है ओके ओके एवरीवन ओके दैट्स सो ग्रेट ऑफ यू राइट अतरवा आ गया है वो आ गया वो आ गया राइट कहाँ पर है मुझे तो नहीं दिख रहा है अथर्व। ओके कोई बात नहीं ठीक है हैंडल कर लेना उसे हैंडल कर लेना वैसे वो समझ जाता है बहुत अच्छा है वो राइट सर पेटीएम कर दियो हम खाएंगे तो आपके वाले से ही खाएंगे ओके सही है सर आप चॉकलेट बताओ और हम खाना खाए यस तुम्हें ही वैसा करना पड़ेगा राइट ओके सर इको की लाइफ क्लास कब होगी ओ माय गॉड कौन है ये डलाल गादा ऐसे कुछ भी सवाल पूछते हो आई नो दैट याथर्व ने बोला था इको की नहीं अथर्व ने कोई तो था वो कौन था वो क्या पता चलिए बच्चा लोग शुरुआत करते हैं अभी सर बी कॉम ऑनर्स या फिर प, आ, पास कोर्स बेटर है सीए के साथ कर सकते हो यार मतलब इट डिपेंड्स कि तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है फ्यूचर में तुम्हें कितनी पढ़ाई करनी है कहां पर जाना है इंडिया में जाना है इंडिया के बाहर जाना है ये सारी चीजें भी थोड़ी थोड़ी मैटर करती है राइट कम एवरी वन लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट कंपनी दैट इज बैंक, दइच बैंक सो एवरी वन रेडी चलिए 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 शुरुआत करते हैं यस yes? ओके okay. एवरी वन विद मी पे अटेंशन आज हम लोग सारी ऐसी कंपनीज करेंगे जिसके बारे में शायद हम लोग गलत हो सकते हैं एग्जाम में जो शायद हमें इतनी अच्छी नहीं लगती है जिसके क्वेश्चन हमें इतने याद नहीं होते हैं लेट्स बिगिन विथ दैट क्योंकि हम लोगों ने क्या लिया है हम लोगों ने प्रण लिया है क्या प्रण लिया है कि हम लोग एग्जाम में फोड़ेंगे वो भी नॉर्मल वाला नहीं पास होने वाला नहीं स्कोरिंग 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 तो स्कोरिंग के लिए बच्चा पार्टी हमें सब कुछ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए ऑब्वियसली आना चाहिए तो कमान एवरी वन विथ मी ओवर योर राइट योर राइट नाव राइट योर राइट नाउ लेट्स 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 सो स्टॉक मार्केट के लिए सीएफए सही सी एफ ए सही रहेगा क्या एकदम सही रहेगा स्टॉक मार्केट के लिए राइट right? एकदम 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 सही है इन कॉर्पोरेशन ईयर ऑफ बैंक इज 1870. इन कॉर्पोरेशन ईयर ऑफ बैंक इज 1870. इसके कहां पर है इसके फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में इस पे सवाल आया था सर आप ऑडिटिंग के साथ कॉन्सर्ट भी करते हो कॉन्सर्ट नहीं तो यस yes, ओके okay. सर मे भी रैंक लाओगे अतरवा तुम जरूर रैंक लाओगे ठीक so yes, है ओके सो यस देखना बच्चा लोग यहाँ पर आगे कल हमारा क्विज है कल क्विज के लिए रेडी रहना एकदम एकदम एकदम, एकदम अमेजिंग क्विज होगा कल तो कल भूलिएगा मत कल सैटरडे आठ बजे सुबह क्विज होने वाला है राइट एवरी वन ओके ओके कल का तारीख क्या है सेवनटीन ऑफ अक्टूबर दो हजार बीस सुबह यूट्यूब पर एट एम एट ए एम समझ में आया समझ में आया Come on everyone, आ कमौने आगे आगे सर खैरियत सॉन्ग खैरियत सॉन्ग यहाँ नहीं हम लोग वहां गाएंगे कहां पर यहां पे तो कॉपीराइट इशू हो जाएगी ना इतना अच्छा अगर गाना गाऊंगा तो कॉपीराइट इशू नहीं हो गया <laughs> राइट ओके <laughs> okay. फाइन 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 ठीक है सर स्पेशल क्लास पर लो प्लीज वहां पर भी ले गया अभिमन्यु शॉर्ट डोंट वरी वहां पर भी ले गया सर मुझे फिफ्टी के दे दो एक साल में वन फिफ्टी के करने का टारगेट रखूंगा सर शेयर मार्केट में ओ माय गॉड वन ईयर में वन ईयर में इतना इतना तेजी से नहीं भागना है ऐसे ही लोग पैसे गवा देते हैं राइट कोई बात नहीं चलो अभी इन आगे चेयरमैन कौन थे बच्चों द्वइज बैंक के चेयरमैन पॉल एशलाइटनर पॉल एश्लाइटनर याद रखना है ये नाम भी तुम्हें एग्जाम में बच्चा लोग ये एमसीक्यू पूछेंगे ये एमसीक्यू पूछेंगे कौन से साल में हुआ था ये कंपनी इनकॉर्पोरेट ये भी पूछेंगे 1870 बच्चों आजादी से पहले ये द्वइज बैंक आई थी एटीन में कभी कभी सिर्फ तुम्हें एग्जाम में वो जर्मनी ही देगी फ्रेंक नहीं देंगे तो तुम्हें जर्मनी भी पता होना चाहिए तुम्हें फ्रेंक भी पता होना चाहिए आर यू गेटिंग मी आर यू गेटिंग मी मेरे यही सारे वर्ड तुम्हें एग्जाम में याद आएंगे जब तुम्हें फ्रेंक नहीं देगी और सिर्फ जर्मनी देगी और तुमसे फ्रेंक फ्रूट अगर करके गए तो तुम्हें याद आएगा कि सर कुछ कह रहे थे और मैं टाइम पास कर रहा था राइट सच्ची सच्ची बता रहा हूँ स्कैनर देख लेना स्कैनर में फ्रेंक नहीं दिया है स्कैनर में सिर्फ और सिर्फ जर्मनी दिया है ठीक है नेक्स्ट 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 पॉल एसलाइटनर चेयरमैन कौन है इसके पॉल एसलाइटनर सीईओ को भी याद रखना है क्या जी हाँ क्रिस्टन सिविंग क्रिस्टन सिविंग सीईओ सीईओ राइट एवरीवन तो ये कौन सी कंपनी थी बच्चों ये जर्मनी की एक बैंक थी ग्लोबल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती थी इट हैज ऑपरेशन इन मोर देन सेवेंटी कंट्रीज कितने सेवेंटी कंट्रीज में तुम्हें पता है कि यहां पर यहां पर ये इंडिया में कब आया था बैंक इन इंडिया कितने कब आया बच्चों फर्स्ट ब्रांच इन इंडिया एटीन एट नाइनटीन एटी में हुई नाइनटीन एटी में तो नाइनटीन एटी में पता है क्या और क्या हुआ था ऑन बोलो मुझे नाइनटीन एटी में और क्या हुआ था क्या तुम मुझे बताओगे क्या तुम मुझे बताओगे कि नाइनटीन एटी में क्या हुआ था बोलो 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 1980 में और क्या हुआ था मैंने क्या बोला रिलेट कर करके पढ़ो रिलेट कर करके पढ़ो यहाँ आया था, तुम्हें आया तो याद आना चाहिए विप्रो बिल्कुल सही कहा है श्रीति सिन्हा अमेजिंग विप्रो आईटी में आया था विप्रो आईटी में आया था 1980 में 1981 में इंफोसिस इनकॉर्पोरेट हुई थी नाइनटीन में ऐसे पढ़ोगे तो देखना कैसे फोड़ोगे इंस्टीट्यूट को ठीक है वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड बच्चा लोग मुझे यकीन है कि तुम लोग बहुत 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 आगे जाओगे देखना अगला सवाल 1870 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद उसके 100 साल से भी ज्यादा बच्चों 1980 में यह इंडिया में आया 1980 में क्या तुम्हें समझ में आ रहा है राइट right? तो कंपनी बर्लिन में हुई थी फाउंड बर्लिन जर्मनी फ्रैंकफर्ट बर्लिन एंड फैसिलिटेट द ट्रेड रिलेशंस बिटवीन द जर्मनी एंड द इंटरनेशनल मार्केट द थ्री फाउंडर्स वेर याद रखना है इनके नाम तीन फाउंडर मेंबर के नाम याद रखना है डिफिकल्ट होगा बट हां याद रखेंगे जॉर्ज सीमेंस हुज फादर्स कजिन हैड फाउंडेड सीमेंस एंड हल्स के तो जॉर्ज सीमेंट को याद रखो फाउंडर एक ही देन अल्बर्ट डेलबुर्ग अल्बर्ट डेलबुर्क एंड एल बैम एल बैम क्या बोलोगे फिर से एक साथ मेरे साथ बोलोगे जॉर्ज सीमेंस अल्बर्ट डेलबुर्ग एंड एल बैम दो तीन बार बोलोगे दो तीन बार हम लोग रिवाइज करेंगे सब कुछ आसान हो जाएगा ये भी जैसे हम लोगों को वॉलमार्ट रट्टा हो चुका है जिससे रिलायंस रट्टा हो चुका है जैसे विप्रो माइक्रोसॉफ्ट एप्पल अडानी भारतीय एयरटेल ये सब रट्टा हो चुका है वैसे ये कंपनीज भी रट्टा हो जाएगी एक दो बार मेरे साथ बोलना पड़ेगा और खत्म शर्माना नहीं है शर्माना नहीं है घर पर सब लुक्स है फिर भी जोर जोर से चिल्लाओ बोलो जॉर्ज सीमेंस अल्बर डेलबुक एल बैम एवरी तीन फाउंडर मेंबर थे इसके करेक्ट ना ओके देखना बच्चों नेक्स्ट 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 इसमें क्या है इनका बच्चा यहां पर देखना है तुम्हें बेस्ट बैंकिंग परफॉर्मर बेस्ट बैंकिंग परफॉर्मर का अवार्ड मिला था इनको जर्मनी में बाय द ग्लोबल ब्रांड्स मैगजीन अवार्ड ग्लोबल बैंक मैगजीन अवार्ड एंड बैंक इन इंडिया रिपोर्टेड थर्टी राइज इन द नेट इनकम फ्रॉम इट्स ब्रांचेस ऑपरेशन एट रुपीज वन वन नाइन नाइन करोर फॉर एफ आई नाइनटीन कैन यू इमेजिन कैन यू इमेजिन की ये जो कंपनी है थर्टी टू परसेंट से ग्रो हो रही है इंडिया में साल फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन में राइट right? सो so, बहुत ही अच्छा ग्रोथ है इसको याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है लेकिन अभी याद क्या क्या रखोगे इसमें कुछ ज्यादा कुछ चीजें नहीं है देखना क्या क्या याद रखोगे बहुत ही आसान है बहुत ही आसान है क्या क्या याद रखोगे 1870 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1980 में ये इंडिया में आया फ्रेंक जर्मनी की ये कंपनी है फ्रेंक जर्मनी हेडक्वार्टर्स है राइट पॉल लाइटनर, राइट पॉल एसलाइटनर इसको याद रखना फिर बच्चा लोग यहां पर तीन फाउंडर मेंबर कौन थे जॉर्ज सीमेंस फिर अल्बर्ट डेलबर्ग राइट अल्बर्ट डेलबर्ग और कौन थे एल बैम्बर्गर ऐसे ही कुछ था नाम यस yes. तो बस इतना ही याद रखना है इतना ही याद रखना है और ज्यादा कुछ नहीं है और हां क्रिस्टन सेविंग को भी याद रखना क्रिस्टन सेविंग को हो गई एक कंपनी हो गई एक कंपनी कौन कहता है कंपनी डिफिकल्ट है कुछ डिफिकल्ट नहीं है सब कुछ आसान है राइट सब कुछ आसान है जिसको भी डिफिकल्ट लगा उसको ये वेरी वीडियो भेज देना ठीक है बहुत ही याद करेगा वो तुम्हें जिंदगी भर जो खून के आंसू रो रहा था राइट खून के आंसू जो रो रहा था वो शांत हो जाएगा एक सेकेंड एक सेकेंड नेक्स्ट कंपनी कम ऑन एवरी वन कम ऑन एवरी वन विथ मी अमेरिकन एक्सप्रेस को देखेंगे अभी हम लोग अमेरिकन एक्सप्रेस यस आर यू रेडी गाइस आर यू रेडी गाइस ओके जस्ट सेकेंड ओके इतनी ग्रीक लैंग्वेज यस। नेक्स्ट 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 कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस 1850, 1850, <laughs> 1850 में यह कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी इसका बच्चों न्यूयॉर्क में है हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में तो तुम्हें न्यूयॉर्क भी याद रखना है और यूएस भी याद रखना है न्यूयॉर्क यूएस इसके चेयरमैन और सीईओ एक ही है स्टेफन क्वेरी कौन सी क्वेरी स्टेफन क्वेरी ठीक है तो इसको भी याद रखोगे क्या यस जरूर तुम्हें इसको याद रखना ही पड़ेगा रखना ही पड़ेगा तुम्हें पता है ये क्रेडिट डेबिट वाली डेबिट कार्ड वाली कंपनी है तो ये सबसे बड़ी मल्टीनेशनल अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन है राइट तो इसमें तुम्हें यह भी याद रखना है कि यह इंडिया में कब आया था इंडिया में 1921 में आया था कब 1921 में इंडिया में आया था कौन से इधर कोलकाता में ये कंपनी शुरू हुई थी कोलकाता राइट right? समझा क्या समझो कि समझो कि क्या 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 समझा तुम्हें बोलिए 1850 में 1850 में अमेरिकन एक्सप्रेस आया था 1850 में अमेरिकन एक्सप्रेस इनकॉर्पोरेट हुआ था न्यूयॉर्क यूएस में इसके हेडक्वार्टर है सीईओ इसके स्टेफन क्वेरी है चेयरमैन सीईओ 1921 में ये इंडिया में आया था एंड कोलकाता में आया था बच्चों और 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 देखना है आगे और देखना है आगे ये है ये है इट वॉज फाउंडेड ये कंपनी कब फाउंडेड इट वॉज फाउंडेड

लिवरेज आर लोकल इनका मिशन देखो लिवरेज आर लोकल एंड ग्लोबल एक्सपर्टाइज टू बी द लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ द पेमेंट सोल्यूशन फॉर आर कस्टमर्स बाय डिलीवरिंग द हाई क्वालिटी एनोवेटिव वर्ल्ड कार्ड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट एंड सर्विसेस मेंटेनिंग द हाइएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ द गवर्न एंड एथिक्स बस देखना यहां पर यह कार्ड प्रोडक्ट बनाती है और नॉन कार्ड प्रोडक्ट भी बनाती है राइट right? अमेरिकन एक्सप्रेस का वैसे बचा लो कोई ऐसे बिजनेस इन न्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है सर इसमें याद क्या रखें फिर कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है एटीन फिफ्टी याद रहेगा हां सर जरूर इंडिया में कब आया था 1921 में आया था न्यूयॉर्क यूएस याद रखना स्टीफन क्वेरी याद रखना दैट्स इट खत्म 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 ये भी कंपनी खतमा और ये तीन नाम हाँ ये तीन नाम कौन से हेनरी वेल्स विलियम फार्गो एंड जॉन वॉरेन बटरफी जॉन वॉरेन बटरफीस शुक्र है ऑब्जेक्टिव पेपर है वरना आधे नंबर तो स्पेलिंग में ही कर जाते थे यस यस स्पेलिंग में ही कर जाते थे लेकिन तुम्हारी फ्रेंड श्रीति बहुत खुश होती थी अगर रिटर्न पेपर होता था तो क्योंकि श्रीति को पता है क्या मिलता था एक्स्ट्रा मार्क्स को क्या मिलता था एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर वॉट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग राइट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग मिल जाता था श्रीति को तो श्रीति तो बहुत खुश हो जाती थी राइट श्रीति राइट श्रीति यस आई नो आई नो आई नो दैट ओके चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अप्सरा पेंसिल राइट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हेंड राइटिंग और पुनित को बिचारे को आधे मार्क्स मिलते थे राइट चलिए 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 तुम्हारी फेवरेट किटकैट वाली कंपनी को देखेंगे अभी किटकैट वाली कंपनी को करेक्ट और 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 नेस कैफे वाली कंपनी को जिसकी कैफे छोड़ छोड़कर तुम कहां पर जाते हो आजकल स्टारबक्स में जाते हो या फिर सीसीडी में जाते हो इतनी अच्छी नेस कैफे को छोड़कर तुम लोग स्टारबक्स में जाते हो राइट इतनी अच्छी किटकैट को छोड़कर तुम कोई दूसरी 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 कंपनी एक दूसरी कंपनी के चॉकलेट खाते हो राइट तो बच्चा लोग यहां पर देखना ये कंपनी बहुत, बहुत 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 बड़ी है मैगी वाली कंपनी है मैगी वाली कंपनी जैसे मैगी दो मिनट में बनता है वैसे ही हम लोग इस कंपनी को दो मिनट में खत्म नहीं कर सकते क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़ी है राइट ये कंपनी बहुत 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 बढ़िया ठीक है थिके? देखना बच्चों यहाँ पर देखना यहां पर <laughs> आजकल तो मम्मी की बनाई कॉफी ही पीते हैं ओके नो नो मेरी होममेड कोल्ड कॉफी पियो सब भूल जाओगे वाह दैट्स ग्रेट यार बच्चों कोल्ड कॉफी एंड मेरा जो रिश्ता है वो बहुत बहुत पुराना बहुत बहुत लंबा रिश्ता है मैं कभी भी कोई से भी समय पर कोल्ड कॉफी पी सकता हूं कोई भी समय पर कोई भी समय पर कोल्ड कॉफी राइट्स बट ठीक है यार क्या करें क्या करें अभी तो नहीं पी सकता हूं चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं सबसे पहला सवाल तुम्हारे सामने आएगा गुड फूड गुड लाइफ गुड फूड गुड लाइफ ये एमसी क्यू पूछ सकते हैं कि नेस्ले का स्लोगन क्या है नेस्ले का स्लोगन क्या है यस 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 देखना आगे पुनीत एट प्रेजेंट पी रहे हो क्यों जला रहे हो मुझे क्यों जला रहे हो मुझे राइट देखना बच्चा लोग ये कंपनी कितनी 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 पुरानी है 1866 की कंपनी है और इसका बच्चों वीवी स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स है वीवी स्विट्जरलैंड में इसके है और देखना और देखना आगे इसके चेयरमैन का नाम क्या है पॉल बल्की पॉल क्या है देखना इसे पॉल बल पॉल बल्की, पौल बल्की। एंड बच्चों इसका सीईओ का नाम भी याद रखना है ये भी तुम्हें पूछ सकते हैं उल्फ अल्फ उल्फ स्नाइडर एकदम फास्ट उल्फ, मार्क राइट ओके ओके तो मैं तुम्हें जर्मन भी सिखा दूंगा बच्चों राइट देखना उल्फ स्नाइडर पॉल बल्की और बच्चों सी का नाम याद रखने की कोई भी कोई भी कोई भी, भी जरूरत नहीं है तुम्हें पता है इस कंपनी का इंपैक्ट कितना बड़ा है तुम्हें पता है इस कंपनी का इंपैक्ट कितना 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 बड़ा है यस yes. ये कंपनी बच्चों ऑलमोस्ट सारे 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 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है ये कंपनी के 2000 से ज्यादा ब्रांड है 2000 से ज्यादा ब्रांड्स है इनके प्लांट्स चार प्लांट फैसिलिटीज है 86 कंट्रीज में 86 कंट्रीज में उनके प्लांट्स हैं कैन यू इमेजिन कितनी बड़ी 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 कंपनी इट इज अज कंपनी ह्यूज 2000 से ज्यादा ब्रांड अभी तो और भी ज्यादा हो गए रह गए ढाई तीन हजार तक पहुंच गया रहेगा ये राइट वन नाइनटी वन कंट्रीज में है ये कंपनी मतलब ऑलमोस्ट सारे ही कंट्रीज में है सो so, इस कंपनी का इस कंपनी का अस्तित्व बहुत 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 ही बहुत ही बड़ा है राइट right? देखना इट हैज अ वाइड नेटवर्क ऑफ 17 रिसर्च डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग सेंटर्स आर एंड डी में भी बहुत ये कंपनी बिलीव करती है मतलब नए नए प्रोडक्ट लाने में और नए नए वो भी ऐसे साधारण नहीं ये कंपनी जो है ये कंपनी हमेशा हेल्थ से रिलेटेड जो शायद हमारे हेल्थ के लिए अच्छे वाले प्रोडक्ट होते हैं, जनरली वैसे टाइप की प्रोडक्ट्स रखती है तुम्हें तो पता है छोटे बच्चों को सेरेलैक देते सेरे तो वो कौन सी कंपनी बनाती है अरे यही वो कंपनी सेरे वाली वाली राइट राइट समझ में आया क्या सो so, ये कंपनी जो है बहुत 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 बड़ी कंपनी है राइट right? ओके okay, देखना यहां पर ये देखो ये डिफरेंट प्रोफेशनल एरियाज में न्यूट्रिशनल साइंस लाइफ साइंस इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्शन प्रोसेस इन सब में ये रिसर्च करते रहती है कंपनी गेटिंग द मिशन ऑफ द गुड फूड गुड लाइफ द मिशन ऑफ गुड फूड गुड लाइफ ये चाहते हैं कि हर घर में लोग अच्छा न्यूट्रिय प्रोटीन वाला प्रोडक्ट खाए सुबह से लेके शाम तक जो भी प्रोडक्ट इस कंपनी के होते हैं वो कोई ना कोई कोई ना कोई समय पर शायद इसके कंपनी के प्रोडक्ट खाते ही रहेगा राइट right? देखना गुड फूड गुड लाइफ इज टू प्रोवाइड द कस्टमर्स विद द बेस्ट टेस्टिंग most nutritious choices in the wide range of food and beverages and eating occasions from morning to night, from morning to night. तो ये कंपनी कंपनी का, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ का थॉट है दैट शायद मेरे प्रोडक्ट हर एक इंसान को सुबह भी लगना चाहिए जैसे कि वो ये हो गया तुम्हारा क्या होता है वो म्यूसेली एंड वॉट यू ईट दैट चोकोज एंड ऑल दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग राइट या तो दोपहर में भी कोई खा सकता है वैसा भी प्रोडक्ट होना चाहिए रात में भी कोई खा सकता है वैसा भी प्रोडक्ट होना चाहिए सो दे वांट दैट सम और दी पर्सन शायद किसी ना किसी समय के लिए हमसे एक प्रोडक्ट लेना ही चाहिए ऐसे इस कंपनी का मानना था राइट right? ओके okay. यस 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 देखना बच्चा लोग यहां पर नेस्ले वॉज फाउंडेड वन फिफ्टी वन एन एंग्लो स्विस कंडेंस्ड मिल्क कंपनी याद रखना है ये पहले कौन सी कंपनी थी एंग्लो स्विस कंडेंस्ड मिल्क कंपनी बाय द स्विस कॉन्फेक्शनर हेनरी नेस्ले इन नाइनटीन सिक्सटी सिक्स नेस्ले को याद रखोगे क्या हेनरी नेस्ले को याद रखोगे यस एंड इन ऑगस्ट एटीन सिक्सटी सेवन Charles and George Page established an Anglo Swiss condensed milk company in Cham, Switzerland. And in 1879, Nestle merged with the milk chocolate inventor Daniel Peter. And in 1905, the companies merged to become Nestle and Anglo Swiss Condensed Milk Company. नेस्ले केम टू इंडिया ये भी सवाल तुम्हें आएगा इंडिया में कब आया नेस्ले इंडिया में भी बच्चा लोग ये आजादी से पहले ही आ चुका था इंडिया में हेनरी नेस्ले भी याद रखना हेनरी नेस्ले को भी एमसीक्यू कर रहा हूं मैं राइट इसका पहले बच्चों नाम क्या था एंग्लो स्विस कंडेंस्ड मिल्क कंपनी बाद में ये फाइनली मर्ज हो गई दो कंपनीज थी दो कॉम्पिटिटर्स थे फिर उन्होंने सोचा कि अगर दोस्त बनकर काम हो सकता है तो फिर दुश्मन क्यों तो फिर ये दो कंपनी साथ में आ गई और इन्होंने इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दी राइट right? दुनिया की मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी बना दी ठीक है एवरी वन नेक्स्ट 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 कमान बचा लोग यहां पर सर डिड यू नो दैट नेस्ले चॉकलेट आर बिगेस्ट प्रोडक्शन यूनिट इन जापान ये सुदित्रो मुझे पता है और तुम्हें पता है किटकैट वहां पर जापान में किटकेट जो है कितने अलग 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 टाइप की किटकैट मिलती है राइट बहुत ही अमेजिंग होती है हमारे यहाँ पर ये किटकैट सिर्फ एक ही टाइप का मिलता है लेकिन जापान में इतने ज़्यादा टाइप्स की किटकैट मिलते हैं मुझे याद है मेरे भाई ने अभी अभी रिसेंटली कुछ किटकैट्स लाई थी जापान से राइट सो इतने ऐसे अलग अलग टाइप की किटकेट थी एंड देवे एक्चुअली वेरी अमेजिंग बहुत ही बहुत ही ऑसम थे टेस्ट में वो राइट सीरियसली बता रहा हूँ सीरियसली बता रहा हूँ नॉट जोकिंग नॉट जोकिंग यस yes, हमने एक ही खाया है बट ये कंपनी बहुत बहुत हर मंथ फाइव न्यू फ्लेवर्स ये तो नहीं पता हर मंथ कितने फ्लेवर्स आते हैं हाँ बट बहुत अलग अलग फ्लेवर आते हैं मैंने बहुत कुछ अलग अलग ही फ्लेवर खाए थे एंड एक्चुअली देवर टेस्टिंग वेरी गुड एक्चुअली देवर टेस्टिंग वेरी गुड ठीक है ओके okay. हमें भी भेज देना यस <laughs> ओके yes, okay. देखना बचा लोग यहाँ पर देखना यहाँ पर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तुम्हें इस प्रोडक्ट का भी नाम याद होना चाहिए यहा कुकी डॉग, मैगी नूडल्स नेस कैफे, कैट्स मार्टीस नेस्क्यू, स्ट्रॉफर्स, विटेल मिल्क मेड कार्नेशन ये इनके मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स तुम्हें पता है वो मिल्क मेड इससे केक बनाते थे हमारे घर पर बहुत सारे लोगों के घर पर इस मिल्क मेड का केक बनता है ये किटकैट तो सबको पता है ये कैफे सबको पता है मैगी नूडल सबको पता है कुकी डॉग भी है राइट यस ओके देखना आगे देखना आगे गेटिंग 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 देखना बच्चा लोग द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द बॉटल्ड वाटर एम्प्लॉइंग मोर देन 34,000 स्टाफ इन 100 प्रोडक्शन साइट्स एंड 35 कंट्रीज ग्लोबली इनका बच्चों 52 वाटर ब्रांड्स भी है ये कंपनी के एक्वा पन्ना एक्वेरल बक्सटॉन प्यर प्योर लाइफ ऐसे अलग अलग ब्रांड है तो नेस्ले पानी में भी है सीरियल प्रोडक्ट्स भी है बच्चों इनके देखना यहाँ पर सरे लैक की जो मैं बात कर रहा था ना सैरे लैक की छोटे बच्चों को जो देते हैं फिटनेस की भी अलग अलग है नेस्ले हेल्थ साइंस नेस्ले हेल्थ साइंस भी है इनमें भी उनका न्यूट्रिशनल थेरेपी के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स है नेस्ले नेस्प्रेसो देखना यहां पर नेस्प्रेसो में यहां पर नेस्कैफे अलग अलग टाइप के कैपेचिनो हैं, है राइट नेक्स्ट 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 केयर में भी है ये कंपनी पेट केयर जो भी लोग होंगे शायद जिनके पास पेट्स होंगे। गए तो उनको शायद पता होगा कि नेस्ले के पेट केयर प्रोडक्ट्स आते हैं मुझे तो नहीं पता बट हाँ यहाँ पर देखना इनके पेट केयर्स में भी इनके प्रोडक्ट्स है नेक्स्ट नेस्ले स्किन हेल्थ में भी है ये हाँ ये मुझे पता है सिताफिल एक वो क्लिनजर लोशन वगैरह होता है राइट तो ये देखना स्किन केयर में भी है ये हेयर एंड नेल्स इसमें भी है तो बेसिकली ये कंपनी गुड फूड गुड लाइफ इसका जो टाइटल है ये बिल्कुल परफेक्टली सूट होता है ये कंपनी पर बिकॉज ये बिलीव करती है कि एक इंसान अपनी अच्छी लाइफ जिए अच्छा खाए और अच्छी लाइफ जिए। डेफिनेटली दे आर फोकसिंग मोर ऑन दियर हेल्थ मोर ऑन दियर हेल्थ ओ माई गॉड तुम्हारे पास कैट और डॉग दोनों है ओके यस ओके तो तुम्हें पता होगा राइट right? हम तो है चीना आगे देखना बचा लोग ऐसे कुछ भी कुछ भी नहीं बोलते राइट देखो यहाँ पर इनके जॉइंट वेंचर्स भी बहुत 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 है इन्होंने कोका कोला के साथ भी फिफ्टी फिफ्टी परसेंट का जॉइंट वेंचर किया है कोलगेट पामोलिव के साथ भी जॉइंट वेंचर किया है कोलगेट पामलिव नेस्ले कोलगेट पामोलिव देन बेवरेज पार्टनर्स वर्ल्ड वाइड के साथ इनके कोको कोला के साथ भी किया है सीरियल पार्टनर भी है इनके लैक्टास पार्टनर्स भी है ये वाला देखना सैन पेरी ग्रीनो इन नाइनटीन नाइन्टी सेवन स्पील पेट फूड इन नाइनटीन एंड रैलस्टन पुरिनिया इन टू शेफ अमेरिका इन जून 2002 डेल्टा आइसक्रीम इन टू इन्होंने ये अलग अलग क्या किए बेसिकली एक्विजिशंस किए हैं तो सर क्या ये एक्विजिशंस को याद रखने की जरूरत है मैं का सारे तो नहीं एक दो याद रखना एक दो याद रखना क्योंकि इसके नाम बहुत डिफिकल्ट है और इसमें पूछने लायक दूसरी बहुत सारी चीजें हैं तो ये जनरली तुम्हें एग्जाम में नहीं पूछेगे ऐसे मुझे लगता है राइट right? सो so, निश्चिंत रहिए निश्चिंत रहिए ठीक है ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट 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 कोई याद कर रहा है सर को शायद अरे भाई अरे भाई कैसे क्यों बोलते हो देखना नेक्स्ट नेस्ले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर्स ये लोग सोच रहे बाय बैक ऑफ शेयर करना तो 2020 से लेकर 2022 तक इन्होंने सोचा है कि हम लोग बाय बैक करेंगे जब भी कंपनी बाय बैक करेगा तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होता है जनरली शेयर के दाम ऊपर जाने वाले हो सकते हैं सकते हैं ऐसे ठीक है फर्स्ट ऑफ इन द फूड इंडस्ट्री टू एड्रेस द ग्लोबल चेंज इन प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट तो इन्होंने अपने नया पैकेजिंग भी लाने की सोची है जिससे थोड़ा सा प्लास्टिक वेस्ट कम हो सके राइट right? बैकवर्ड इंटीग्रेशन के थे खाने बनाने के साथ साथ पैकेजिंग के बारे में भी अभी ये कंपनी सोच रही है ठीक है समझा क्या समझो की ओके ओके सो चलिए 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 आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नेस्ले का बच्चा फोर्टी सेकेंड है ऑन द फोर्ब्स वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी कॉर्पोरेशन फोर्टी सेकेंड नॉट बैड ये भी याद रख लेना फोर्टी सेकेंड नॉट बैड राइट ओके एवरी वन तो और एक कंपनी हमारी खत्म हो चुकी है नेस्ले 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 ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कंपनी जो है वो है इसका नाम है आई बी एम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन सबसे पहला सवाल आई बी एम का फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल इतना इजी सवाल तुम्हें एग्जाम में पूछेंगे और तुम लोग आंसर नहीं करके आओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा तो तुम्हें ये सारे 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 फुल फॉर्म्स मैंने क्या बोला था याद रहने चाहिए इंटरनेशनल बिजनेस कॉरपोरेशन राइट इंटरनेशनल बिजनेस कॉरपोरेशन अरे तुम डागा सर के स्टूडेंट हो तुम्हें सब कुछ आना चाहिए एवरी वन ऑवर ध्यान देना नाइनटीन वन वन में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो बताना मुझे रिलेट कर करके पढ़ते हैं हम लोग तो नाइनटीन टेन में कौन सी कंपनी याद हुई थी ए, कौन सी कंपनी हुई थी 1910 का बोलो वेरी गुड श्री ने ऑलरेडी कह दिया मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले ही 1910 में आई टी सी ये होती है मेरे स्टूडेंट्स कैसे एक कदम आगे होते हैं हमेशा उनको पता है मैं कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ उनको ऑलरेडी पता है मैं कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और ये जेठालाल ने भी ऑलरेडी कह दिया है जेटा अपनी मस्ती में यस, yes, जेटा अपनी मस्ती में देखना जेटा को पता था मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वही बोल रहा था सबसे ज्यादा कंपनी का रिकॉर्ड किसका पेटेंट का तो देखना बच्चों, होल्डिंग द रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट पेटेंट जनरेटेड बाय द बिजनेस मोस्ट पेटेंट जो कंपनी होल्ड करती है वो है आई तुम्हें पता है आईबीएम ने कितने 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 पेटेंट्स बनाए हैं बहुत ज्यादा तुम्हें पता है आईबीएम कितनी बड़ी कंपनी 170 कंट्रीज में काम करती है ये कंपनी 170 सौ सत्तर कंपनी कैन यू इमेजिन कैन यू इमेजिन ये कंपनी ने सबसे पहले एटीएम लाया फिर फ्लॉपी डिस्क लाई हार्ड डिस्क लाई मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड लाया देन इन्होंने ही वो क्या लाया बार लाया तो ये कंपनी बच्चों एक बहुत 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 बड़ा रिकॉर्ड रखती है किसमें इनोवेशन में किसमें इनोवेशन किस में, में समझ में आ रहा है क्या कुछ काश हमें ये पता चलता कि आईसीआई क्या पूछने वाली है मैं हूं ना यहां पर मैं तुम्हें वो सारे 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 एक्सीडेंट पॉइंट्स पे तुम्हें मैं सावधान करते रहूंगा और मेरे साथ रहोगे तो आईसीएआई को भी तुम फोड़ दोगे राइट देखना है बच्चों यहां पर आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये इंडियन की सब्सिडरी कंपनी कब आई थी बच्चा लोग देखना 1992 में ये इंडिया में आया आई बी एम एंटर्ड इन इंडिया इन 1992 किसके साथ ज्वाइंट वेंचर किया टाटा ज्वाइंट वेंचर के साथ टाटा ज्वाइंट वेंचर के साथ तुम्हें पता है कि इसके डायरेक्टर कौन थे इंडिया के वनिता नारायणन वनिता नारायण नारायणन वनीता नारायणन एन ए एन वनीता नारायणन इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आई बी एम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आई बी एम द इंडिया इन नाइनटीन नाइनटी के बाद किसने किसके साथ टाटा के साथ ज्वाइंट वेंचर कर कर टाटा के साथ ज्वाइंट वेंचर कर कर राइट एवरी वन यस एवरी वन ओके एवरी वन तो चलिए आगे बढ़ते हैं यस yes. कमोन बच्चा लोग यार तुम लोग लाइक वाइक नहीं करते क्या मजा आ रहा है ना कमौन जल्दी से लाइक कर दो मुझे भी अच्छा लगेगा देखना है आगे, देखना है है आगे आगे yes, पर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑन एनी न्यू एंटरप्राइज डेटा सेंटर माइग्रेशन शॉर्टलिस्ट तो इनका ये कहना है कि हम लोग सबसे आगे रहना चाहते हैं हमेशा 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 राइट right? देखना है यहां पर ये रैंक थर्टी एट है ये कंपनी का बहुत ही अमेजिंग है बहुत ही अमेजिंग नेस्ले से भी नेस्ले का फोर्टी टू था इसका थर्टी एट है वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉरपोरेशन में बच्चा लोग ये देखना सिक्सटी रैंक है आई बी एम रैंक इलेवन इन द एम्प्लॉयर वाला नहीं देखना है कभी भी हां एजाइल थ्री सोल्यूशन रेवी टेक्नोलॉजी पे एम सी क्यू आ सकता है एजिल थ्री सोल्यूशंस को किसने एक्वायर किया था एजिल थ्री सोल्यूशंस को किसने एक्वायर किया था आईबीएम uh, ने एक्वायर किया था रावी टेक्नोलॉजी को किसने एक्वायर किया था रावी टेक्नोलॉजी को किसने एक्वायर किया था आईबीएम ने सो आईबीएम आल्सो एम रिसीव द क्लाइमेट लीडरशिप क्लाइमेट लीडरशिप अवार्ड फ्रॉम द यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी सैनोवी टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आएगा तुम्हें एम सी क्यू लोम्बारे क्वेश्चन आएगा एम सी क्यों ये सब लोम्बार्डी सानोवी धन एजिल थ्री इन सब को क्या किया एक्वायर किया है रेड हैट हैट रेड को भी एक्वायर किया है लाल टोपी यस रेड हैट इन 2019 रेड हैट गेटिंग एवरीवन तो कितने 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 यहां पर सर कितने याद रखे अरे कुछ नहीं सब याद रखो एकदम आसान है एजिल थ्री ठीक है फिर रवि रवि टेक्नोलॉजी फिर उसके बाद उसके बाद लोम्बार लोम बार डी उसके बाद रेड हैट उसके बाद रेड हैट उसके बाद सैनोवी सैनो राइट एवरी वन ओके 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 देखना है आगे देखना है आगे बहुत ही बड़े-बड़े कंपनी को एक्वायर किया इन्होंने राइट आगे देखो बच्चा लोग आगे देखो ये देखो बहुत 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 इंपॉर्टेंट ऑन जनवरी फोर्टीन हमारे यहां पे बच्चों जनवरी फोर्टीन को क्या होता है मकर संक्रांति राइट तो मकर संक्रांति के दिन पे बच्चों देखना क्या हुआ था पता है ना तुम्हें पतंग उड़ाते हैं हमारे यहां पर फोर्टीन जनवरी को जनवरी so, इट the, the, the second highest contributor इंडिया में से भी सबसे ज्यादा इनोवेशन गए थे और ये कंपनी के सबसे ज्यादा पेटेंट्स है नाइन नाइन टू सिक्स टू और इंडिया ने सेकेंड मोस्ट हाइएस्ट जो कॉन्ट्रीब्यूटर था इस नंबर को अचीव करने के लिए राइट right? समझा क्या समझा क्या एवरी वन ओके तिर क्या गोड़ गोड़ बोला हाँ, बिल्कुल सही बच्चों उसी दिन एकदम 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 उसी दिन ये कंपनीज को पेटेंट्स का अवार्ड मिला था ऐसे क्यों बोल रहा हूं मैं जब मैं ऐसे बोलूंगा तो तुम्हें याद रहेगा ना इसलिए तो देखना बच्चा लोग यहां पर और आई बी एम इन्वेंटर फ्रॉम इंडिया रिसीव ओवर नाइन हंड्रेड पेटेंट्स एंड द सेकेंड हाइएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल टैली आफ्टर द यूएस तो सबसे ऊपर के इसमें था यूएस उसके बाद इंडिया इंडिया ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था कितने नाइन हंड्रेड पेटेंट्स से इन हंड्रेड पेटेंट है फ्यू ऑफ द फ्रॉम इंडिया इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एंड बेनिफिट ट्रैकिंग ऑटोमेशन एंड वैलिडेशन ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क फेलियर्स इन मल्टीपोसे कंप्यूटिंग एनवायरमेंट एंड आई कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर तो इंडिया ने भी बहुत 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 क्या किया है बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया था इस कंपनी को राइट एवरी वन ओके गेटिंग गेटिंग yes. तो बचा लो यहां पर अगली अगली कंपनी हम लोग कर सकते हैं अगली कंपनी देखना इस कंपनी का मैं तुम्हें शॉर्टकट बता देता हूं क्या क्या याद रखना है शॉर्टकट सा क्या क्या याद रखना है उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो तुम्हें बचा लोग सबसे पहले कौन सी चीज याद रखनी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन में ये कंपनी इनकॉरपोरेट हुई थी न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर्स है और किसका था न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्स और किसका था अमेरिकन एक्सप्रेस का था न्यूयॉर्क में जिनी रोमैटी जिनी रोमैटी इज सीईओ जिनी रोमैटी इज सीईओ कंपनी ने एटीएम बनाया फ्लॉपीडिस्क बनाई हार्ड डिस्क बनाया बारकोड बनाया, ये भी याद रखना है 1992 में टाटा के साथ जॉइंट वेंचर किया यह भी याद रखना है उसके चीफ हेड कौन थे तब इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन थे वनिता नारायणन वनिता नारायणन ये कंपनी का रिकॉर्ड ब्रेक है कि सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा यह पेटेंट्स होल्ड करती है कंपनी ने किस किस को एक्वायर किया था एजिल थ्री सोल्यूशन रावी टेक्नोलॉजी लोम्बार्डी, डी रेड हैट सोल्यूशन सॉरी रेड हैट एंड सैनोवी टेक्नोलॉजी सैनोवी टेक्नोलॉजीज राइट एवरी वन सबसे पहले हाइएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड यूएस था दूसरा था इंडिया याद रहेगा क्या यस 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 याद रहेगा ठीक है एवरी वन ओके okay. नीलम कुमारी गुड मॉर्निंग इतना टाइम इतना लेट आए हो नीलम कुमारी कोई बात नहीं बाद में जरूर 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 देख लेना ठीक है ओके नेक्स्ट 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 कंपनी हम लोग कौन सी करेंगे पता है तुम्हें अभी इंडिया की कंपनी करते बहुत हो गया गोरे लोगों की कंपनी राइट अभी इंडिया की कंपनी करेंगे हम लोग अभी हम लोग कौन सी कंपनी करेंगे हमारा बजाज हमारा बजाज बोलो बच्चों बोलो बजाज कौन से साल में इनकॉर्पोरेट हुआ था 1945 1945 बोलिए मुझे राहुल इज द कम ऑन गाइस टेल मी टेल मी राहुल इज अ a... बोलिए बच्चों बोलिए बोलिए बच्चों बोलिए राहुल इज अ मैं रुक रहा हूं यार तुम्हारे लिए कहां पर गया वो बजाज कहां पर गया आ रहा है आ रहा है राहुल इज अ चीटर नहीं सब लोग चीटर 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 कह रहे हैं अरे नहीं बच्चो राहुल इज द चेयरमैन राइट राहुल इज द चेयरमैन एवरीवन विद मी फिर से राहुल इज द चेयरमैन राजीव इज द सीईओ एवरीवन अगेन राहुल इज द चेयरमैन एंड राजीव इज द सीईओ ई लोग ये कंपनी कहां से है पुणे 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 राइट ये कंपनी के हेडक्वार्टर्स पुणे से है बच्चों याद रखना इसको राइट ओके ओके okay. सो so, 1945 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और 1945 में ही विप्रो भी इनकॉर्पोरेट हुई थी याद रहेगा क्या यस yes. यस yes. तो पुणे की ये कंपनी है इसके हेडक्वार्टर्स आर इन पुणे 1945 में इनकॉर्पोरेट हुई थी राहुल बजाज इज द चेयरमैन राजीव बजाज इज द सीईओ जमुना लाल बजाज इज द फाउंडर मेंबर जमुना लाल बजाज इज द फाउंडर मेंबर और 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 1940 में ये कंपनी फाउंड हुई थी 1940 में फाउंड हुई 1945 में इनकॉर्पोरेट हुई राइट right? और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कौन सी वर्ल्ड है इंडिया की नहीं कह रहा वर्ल्ड लार्जेस्ट थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इनके फाउंडर मेंबर कौन जमुना लाल बजाज ये याद रखना है इसको तुम भूलना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो एग्जाम में ये जरूर पूछ सकते हैं 1940 हम लोगों ने देखा कि 1940 के साल में ये फाउंड हुई थी कंपनी राइट एवरीवन और बचा लोग तुम्हें इसके सारे 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 क्या याद रखना है क्या याद रखना है इसके सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स का नाम तो क्यूट कौन था बताओ मुझे क्यूट कौन था क्यूट बजाज की एक गाड़ी थी क्यू यू टी ई कौन था बच्चों क्यूट बजाज की गाड़ी थी बच्चों फोर व्हीलर क्यूट देन 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 यहां पर देखना एवेंजर है सिटी हंड्रेड है डोमिनर है डिस्कवर है विक्रांत ट्वेल्व विक्रांत फिफ्टीन right? right? <laughs> पल्सर राइट राइट फुनित सोनी कुछ भी कहते हो राइट ओके ओके तो देखना है बच्चों यहां पर ये आरी कॉम्पैक्ट आरी ऑप्टिमा आरी मैक्सिमा जब तुम अभी बाहर जाओगे तब ऑटो रिक्शा पे देखना ये सारे नाम तुम्हें दिखेगे थोड़ी बड़ी वाली होगी तो आरी मैक्सिमा होगी थोड़ी छोटी वाली रिक्शा है ऑटो रिक्शा तो वहाँ पे आरी कॉम्पैक्ट लिखा होगा तो ये सारे वो क्या है ये सारे वो क्या है उनके प्रोडक्ट्स के नाम है तो बस तुम्हें पूछेगा एग्जाम में एवेंजर किसका है डोमिनर किसका है डिस्कवर किसका है कौन सी कंपनी का है और एक दे देंगे एक्टिवा जुपिटर ऐसे कुछ भी दे देंगे वो लोग तो तुम्हें मैन आउट को निकालना है बाहर <laughs> क्यूट सब यहां पे है <laughs> सर मेरे पास कॉम्पैक्ट है कौन सा कॉम्पैक्ट है तुम्हारे पास वो मेकअप करने वाला कॉम्पैक्ट या गाड़ी वाली कॉम्पैक्ट देखना आगे देखना बच्चों आगे नर्स इन ऑटो टू व्हीलर कैटेगरी बाय द इंटरनेशनल योज आज ही जाके देखूंगा मैं यस yes. ये देखना बच्चा लोग इसको ना इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन एज अ पार्ट ऑफ द इंडिया अवार्ड एडवर्टाइजिंग कैंपेन बजाज ऑटो द वर्ल्ड फेवरेट इंडियन द वर्ल्ड फेवरेट इंडियन ये अवार्ड भी मिला था उनको टू व्हीलर की कैटेगरी में टू व्हीलर के कैटेगरी में राइट right? और 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 देखना यहां पर फर्स्ट इन द इंडस्ट्री स्टेटस ऑफ हैविंग ऑल द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सर्टिफाइड फॉर द स्पेशल अवार्ड फॉर द दीपीएम अचीवमेंट टीपीएम अचीवमेंट बाय जापान इंस्टीट्यूट ऑफ द प्लांट मेंटेनेंस जापान इंस्टीट्यूट ने इनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए अवार्ड दिया है मतलब बहुत बड़ी बात है मतलब एक बहुत बहुत बहुत, बहुत बड़ी बात है ठीक है यस ओके ओके देखना आगे आगे देखना बच्चों तुम्हें पता है ये कंपनी क्या है ये कंपनी का वो एक नया गाड़ी आया है इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल और वो कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉस्ट क्या है? पता है एक लाख पच्चीस हजार के आसपास गाड़ी का नाम क्या है चेतक चेतक और एक uh, यूट्यूब पे एक वीडियो देखना मैंने वो देख रहा था इसका मैन्युफैक्चरिंग का वीडियो ये कंपनी नॉइसलेस मैन्युफैक्चरिंग को जा रही है नॉइसलेस मैन्युफैक्चरिंग पे नॉइसलेस मैन्युफैक्चरिंग पे एंड इनका ये कंपनी का एक बहुत अच्छा बात ये भी है इन कंपनी का बहुत अच्छा बात ये भी है ये कंपनी जो है यहां पर यहां पर दे आर वेरी मच दे आर वेरी मच ऑन दुमन एम्पावरमेंट के ऊपर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इनका बहुत ज्यादा जोर है एंड डोमिनर जैसी गाड़ियां भी यहां पर देर आर लेडी वर्कर्स हु आर मेकिंग दिस हु आर असेंबलिंग दिस डोमिनर जैसी गाड़ी या फिर वो पल्सर जैसी गाड़ियां राइट सो यस 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 yes. समझा क्या समझा क्या हाँ आवाज नहीं होती है नॉइसलेस मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है नॉइसलेस मैन्युफैक्चरिंग ठीक है यस देखना है आगे देखना है आगे बचा लोग ये क्या है ये कंपनी खत्म हो गई कितना आसान था ये इससे कोई भी सवाल आएगी तो हम लोग कभी भी कभी भी कभी भी गलत नहीं होने वाले हैं इसमें राइट तो ओके बचा लोग ओके बचा लोग क्या क्या बोल रहे तुम यस हां कॉलेज डे से पता है मुझे रे अभी अभी नहीं मुझे कॉलेज डे से ही पता है सब कुछ ठीक है <laughs> ओके तो चलिए हम लोग यहां पर आज रुकेंगे हम लोग यहां पर आज रुकेगे बच्चा लोग और कल कल कल, कल क्विज के लिए रेडी रहना कल क्विज कितने बजे है कल है तुम्हारा क्विज मॉर्निंग सॉरी नौ बजे नहीं आठ बजे है नौ बजे नहीं एट ए एम एट ए एम सर क्विज स्पेसिफिकली किस पे होगा क्विज स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ बी सी के चैप्टर नंबर सिक्स बस खत्म जितना जोर है लगा देना कल चलो एवरी वन बोल भी दिया चैप्टर भी बोल दिया चैप्टर भी बोल दिया जाने से पहले बच्चा लोग लाइक जरूर करके जाना राइट और 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 एक चीज बजे अभी तुम्हारा का लेक्चर है सो भूलिएगा मत एक शॉर्ट ब्रेक के बाद तुरंत ज्वाइन करना एंड 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 एं वन मोर थिंग ये जो हमारी थाउजेंड एमसीक्यू का प्लस बैच है उसके बारे में भी तुम लोग यहां पर सोच सकते हो एंड इफ यू आर ट्राइंग कि मुझे सब्सक्रिप्शन लेना है ऐसे सोच रहे हो तो डेफिनेटली गाइस यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन यू कैन अप्लाई दी ए जी ए वन जीरो राइट ओके ओके सो एवरीवन टाटा बाय बाय टेक केयर सी यू टुमारो ठीक आठ बजे राइट थैंक यू